जनक साहब। अरे रुको रुको रुको, मुझे जनकपुरी जाना है, छोड़ दोगे क्या? बहुत अर्जेंट है। पर भैया मैं ऑलरेडी पर्सनल बुकिंग पर हूँ, मैंने सवारी बिठा रखी है। अरे भैया मुझे बहुत अर्जेंट है, मैं आपको डबल पैसे दूंगा, प्लीज मुझे ले चलो ना। अरे भैया मैं ऑलरेडी इस रिक्शे में बैठी हुई और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। अरे मैडम प्लीज आप मेरी बात को समझिए, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है और मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज समझिए मैडम आप। ठीक है भैया, आपको ज्यादा इमरजेंसी है तो आप ही चले जाइए। चलो भैया डीसी ले लो। अरे मैं क्या करूँ, इतना लेट हो गया है, मैं कैसे जाऊँ इंटरव्यू के लिए, ऑलरेडी मैं इतनी लेट हूँ और कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। भैया भैया, अरे भैया रुको। अरे यार ये भी रिक्शा निकल गया, अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मैं कमिंग मैम। यस कमिंग। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम हियर फॉर जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू वो तो कब का खत्म हो गया, तुम्हें क्या टाइम दिया था इंटरव्यू के लिए? सॉरी मैम। चेक करना जरा क्या टाइम हो रहा है। इट्स 11:50 मैम। टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे नजर में, अभी इंटरव्यू में इतना लेट आ रहे हो, आगे फिर कैसे आओगे ऑफिस में? सॉरी मैम, वो ऑटो मिलने में टाइम लग गया इसलिए मैं लेट हो गई। तुम जैसे लापरवाह लोगों को हम हायर नहीं करते, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चिंता मत करो, अभी मेल डाल दूंगा, बस मैं ऑफिस पहुँचने ही वाला हूँ। अरे मैडम आप यहाँ, और थैंक यू सो मच सुबह के लिए जो आपने मेरी हेल्प की। वैसे सर सुबह आप इमरजेंसी में कहाँ जा रहे थे? अरे वो एक्चुअली क्या था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसको देखने मगो हॉस्पिटल में जा रहा था उत्तम नगर, इसलिए मैं इमरजेंसी में था। अच्छा ये बात थी, अब आपका फ्रेंड ठीक है? नहीं वो एक्चुअली चोट ज्यादा लगने की वजह से ना उसके हाथ पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और डॉक्टर ने उसको 6 महीने के लिए बेड रेस्ट बोल दिया है, तो अभी रिकवरी होने में भी टाइम लगेगा। वैसे आप बताओ आप यहाँ पर क्यों आए? वो आज मेरा नेट इवेंट पर ना इंटरव्यू था, लेकिन नेट आने की वजह से HR ने साफ मना कर दिया कि आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आप जाओ यहाँ से। अच्छा एक काम करो आप मेरे साथ चलो। आपके साथ? हाँ हाँ तुम चलो ना मेरे साथ। साहिबा? यस सर। तुमने इन मैम का इंटरव्यू क्यों लिया? क्योंकि सर ये इंटरव्यू के लिए 1 घंटे लेट आई थी। क्या तुमने इनसे जानने की कोशिश करी कि ये लेट क्यों हुई थी? नो सर। मतलब बिना रीजन जाने तुमने इनका इंटरव्यू लेने से मना कर दिया? नहीं सर ऐसा नहीं है, ये इंटरव्यू के लिए लेट आई थी तो मुझे लगा इन्हें टाइम की वैल्यू नहीं है, और सर ऐसे एम्प्लॉय को हम क्यों रखेंगे ऑफिस में जिन्हें टाइम की वैल्यू ना हो। अच्छा मतलब तुम्हारे हिसाब से किसी को इमरजेंसी नहीं हो सकती है ना? हो सकती है सर। तो फिर तुमने बिना सोचे समझे कि ये लेट क्यों हुई है तुमने अपना फैसला ले लिया। सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, हमें ना हमेशा हर किसी को समझना चाहिए, किसी को कोई ना कोई इमरजेंसी हो सकती है, और अगर तुम्हें कोई इमरजेंसी हो गई तो मुझे तुम्हें भी जॉब पर नहीं रखना चाहिए, राइट? तुम्हें याद है ना वो किस्सा जब तुम्हें अर्जेंट में कानपुर जाना पड़ा था पूरे 8 दिन के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे कजन की तबीयत खराब हो गई थी, अगर उस टाइम मैं भी तुम्हें निकाल देता तो? अभी सोचा है तुमने? साहिबा ये लास्ट वार्निंग है, ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए। अब एक काम करो बुलेट का के मत खड़े रहो, इनका ज्वाइनिंग लेटर रेडी करो और इनको ज्वाइनिंग करवाओ कल से, ठीक है? साहिबा ये लो कैश, कॉन्ट्रैक्टर आएगा थोड़ी देर में उसको दे देना। ओके सर। अरे आप तो सुबह रिक्शा चला रहे थे। एक्चुअली आपको भी गलतफहमी हो रही है, मैं रिक्शा वाला नहीं हूँ, एक्चुअली मैं सौरभ सर का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। जो सर अभी गए थे वो हमारे कंपनी के CEO हैं, और जो सुबह आपने देखा और जो अभी यहाँ पे देखा, वो एक्चुअली क्या था कि सर टेस्ट लेते रहते हैं अदर एम्प्लॉयज का, कि वो जो हमारे एम्प्लॉय जो हमारे अंडर काम करते हैं वो अदर एम्प्लॉय के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनको कैसा ट्रीट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं पर्सनली। मुझे बहुत खुशी होगी कल सुबह से आप मेरी टीम को ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही हेल्पफुल हो, आपकी हेल्प मैं सुबह देख चुका हूँ। वेलकम टू टीम। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी टीम को ज्वाइन कर। हैव अ नाइस डे सर, मैं चलती हूँ। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कंपनी के मालिक ने अपने एम्प्लॉय का नेचर देखने के लिए इस तरह का तरीका अपनाकर बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।